हेलो, वेलकम टू नॉलेज ऑफ विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे मैट्रो फ्रेमवर्क के, इन सी शार्प विन फॉर्म्स के, कि मैट्रो फ्रेमवर्क क्या होता है, ठीक है। और आज हम उसके देखेंगे मैट्रो फ्रेमवर्क के फॉर्म और उसके मैसेज बॉक्स को हम देखेंगे। एक्चुअली मैट्रो फ्रेमवर्क क्या है? मैट्रो फ्रेमवर्क एक्चुअली आप ये एक आपका जो GUI इंटरफेस होता है विन विन फॉर्म में, उसको ये एडवांस लेआउट में चेंज कर देता है, ठीक है ना। उसके कुछ फीचर्स हैं जिसको इन्हांस करता है, जिसके जिससे मेट्रो फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए आपके प्रोग्राम या आपके फॉर्म्स की लुक एंड फील काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर इसके काफ़ी फंक्शंस होते हैं, जैसे कॉम्बो बॉक्स है, आपके मैसेज बॉक्स है, आपका इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है, तो इनका स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले ये एक इंटरनेट से मैंने एक डाउनलोड की है। तो एक्चुअली क्या करता है डॉट नेट, विंडोज़ मॉडर्न यू आर डॉट नेट फ्रेमवर्क एप्लीकेशन, राइट। एड अ फ्रेश लुक टू योर डॉट नेट विनफॉर्म एप्लीकेशन विद कंट्रोल यूजिंग द मॉडर्न मेट्रो UI थीम ऑफ विंडो 8, ठीक है ना। तो मेट्रो फ्रेमवर्क आपका ये काम करता है, राइट। ये विंडो 8, 10 पर आपका चल जाएगा। अच्छा देखें, कुछ कस्टम्स थीम्स है आपके पास है, ठीक है। स्टाइल एक्सटेंडर है आपके पास, काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अच्छा, इंस्टॉलेशन तो इसकी सिंपल हम कर लेंगे। कुछ कंट्रोल्स हैं इसके, जैसे बटन, कॉम्बो बॉक्स, चेक्स बॉक्स, रेडियो, टोगल। तो ये सारे कंट्रोल ऑलमोस्ट वही कंट्रोल है जो आपके नॉर्मल विन फॉर्म में होते थे। सिलेक्टेबल लेवल, ठीक है, लिंक है, पैनल, स्क्रोल बार, टाइटल, प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस स्पिनर है इसमें, टैब कंट्रोल, और ये सब चीज़ें इसके हैं, ठीक है। तो देखें, अब ये इसके स्क्रीन शॉट्स की लुक एंड फील इसकी आपके पास इसके कैसे आती है। देखें, अब ये देखें, इसके अंदर ये टाइल्स आती हैं, मेट्रो टाइल्स, ठीक है ना। जिस तरह आपके विंडोज़ 10 में आपकी ये टाइल्स आ रही हैं, ऐसे ही टाइल्स आपके पास मेट्रो फ्रेमवर्क भी आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसके बटन्स की लुक एंड फील देखें, ठीक है ना। आपकी जो विन फॉर्म की लुक एंड फील से काफ़ी मुख्तलिफ है ये, तो ये कुछ आपकी मतलब उससे काफ़ी एडवांस है और अच्छी भी लग रही है। देखें ना, एक प्रोफेशनल लुक आपके पास आ रहा है। तो ऊपर ये देखें, इसके टैब टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, टैब है, टैब इंडेक्सेस है, लेबल है, ऑप्शन है, स्क्रोल है। तो यहाँ पर देखें, स्टाइल्ड लेबल आपके पास इस तरह का आ जाएगा, नॉर्मल लेबल है, स्टाइल लेबल है, या आपके मेट्रो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। देखें ये टेक्स्ट बॉक्सेस आपके कितने, ठीक है। यहाँ पे आपके स्टाइल टेक्स्ट बॉक्स, ये नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है, ये डिसेबल है, ये मल्टी लाइन आपके पास ऐसा आ जाएगा, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स की चीज़ देखें, काफ़ी अच्छा बेहतर है आपके विन फॉर्म से। अच्छा, ये टोगल बटन आपका देखें, टोगल बटन्स, रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस वगैरह। तो ये आपके एक्चुअली लुक एंड फील आपके पास अच्छा आ जाता है। या प्रोग्रेस बार देख लें, ये प्रोग्रेस बार यहाँ तक, यहाँ से जा रही है और साथ में ये खुद भी स्लाइड हो रही है, ठीक है। ये स्पिनर आ गया आपके पास, ठीक है। ये मेट्रो स्क्रोल बार आप ये भी देख लें, स्क्रोल बार है आपके पास, और ट्रैक बार देखें आप। तो अच्छा, इसमें आप देखो, आप थीम भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड थीम डार्क कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये सब हम इस्तेमाल करते हैं यूजिंग मेट्रो फ्रेमवर्क, ठीक है। और सबसे चलते हैं, अब हम देखते हैं कि अपने मेट्रो फ्रेमवर्क को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। आप सबसे पहले एक न्यू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट हम ले लेते हैं, राइट। आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा दिस, ठीक है, और इसकी आप डिफ़ॉल्ट पोजीशन क्या कर दें, अब सेंटर कर दें, ठीक है। अब सबसे पहले देखें, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इंस्टॉल करते हैं अपने मेट्रो फ्रेमवर्क को। अब इस प्रोजेक्ट पर जाएं, इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर है मैनेज एंड यू गेट पैकेज, ठीक है, क्लिक करें और ब्राउज में जाएं और यहाँ पे आप लिखें मेट्रो, ठीक है जी। अच्छा, मेट्रो फ्रेमवर्क है, इसको इंस्टॉल कर लें आप। कौन सा इंस्टॉल किया हमने, मेट्रो फ्रेमवर्क, ठीक है, इसको इंस्टॉल करें आप, एक्सेप्ट। और
ये इंस्टॉल होने दें इसको, सक्सेसफुल इंस्टॉल। और ये आप एक ये है मेट्रो जीयूआई, मेट्रो जीयूआई इसको भी आप इंस्टॉल कर लें, मेट्रो फ्रेमवर्क और मेट्रो यूआई, राइट। इन दोनों को आपने कर लिया इंस्टॉल। और यहाँ पे देखेंगे आपके प्रेफरेंसेस में आएंगे तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी आपके, ठीक है। तो ये तो हमने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब हम अपने इस फ्रेमवर्क को मेट्रो फ्रेमवर्क में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे एक आपको यहाँ पे मेट्रो का आ जाएगा मेट्रो फ्रेमवर्क। देखें ये जितने मेट्रो फ्रेमवर्क का आपको टैब नज़र आ गया, अब जितने भी इसके फ्रेमवर्क है वो सब आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको मेट्रो फ्रेमवर्क, इस मेट्रो फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट क्लिक करें, इसके व्यू कोड में जाएं और यहाँ पे कुछ नेम स्पेसेस आपको यूज इस्तेमाल करने पे, यूजिंग मेट्रो फ्रेमवर्क, ठीक है, और यूजिंग फ्रेमवर्क डॉट फॉर्म्स, सॉरी फॉर्म्स, ठीक है। ये दो नेम स्पेस आपने ऐड करनी है, राइट। और इसको आपने कहाँ से एक्सटेंड करते हैं करना है, मेट्रो फॉर्म्स से, ठीक है। मेट्रो फॉर्म, ठीक है, इसको आप एक्सटेंड करेंगे मेट्रो फॉर्म के साथ। अब इसको क्लिक करें तो ये देखें, ये आपका क्या हो गया, मेट्रो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कंट्रोल एफ फाइव करें तो अब इसकी फील देखें, ठीक है, इसकी लुक एंड फील आपको काफ़ी डिफरेंट नज़र आएगी उस पुराने विन फॉर्म से। देखें इसके लुक एंड फील, देखें आप इसकी लुक एंड फील इसकी काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड वन, राइट। अच्छा, इसकी कुछ होती हैं प्रॉपर्टीज़, राइट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को अब देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, इसकी होती है एक टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन एक्चुअली क्या है, आप इस फॉर्म वन को यहाँ पे देख लें, अब हम इसको कर लेते हैं मेट्रो फॉर्म, राइट। कहाँ पे अलाइन करना है, सेंटर में, सॉरी। तो इसकी टेक्स्ट अलाइन कहाँ है, लेफ्ट है, हम इसे सेंटर कर देते हैं, ठीक है। अब इसे आप रन करें तो आप देखेंगे इसकी अलाइन कहाँ आ जाएगी, आपके सेंटर में इसकी अलाइनमेंट आ जाएगी, कहाँ आएगी आपकी, इसकी अलाइनमेंट आपकी आ गई सेंटर में, ठीक है। तो ये आप इसको अलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा होती है, देखें अगर ये डिस्प्ले हेडर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास यहाँ पे होगी एक डिस्प्ले हेडर, ठीक है, डिस्प्ले हेडर ये ट्रू है, इसको आप फॉल्स कर दें तो आपकी ये जो मेट्रो ये हाइड हो जाएगा आपका, देखें बिल्कुल ये हाइड हो गया आपका मेट्रो फॉर्म, राइट। ये इसकी डिस्प्ले हेडर की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, राइट। उसके बाद थीम्स हम देख लेते हैं, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है इसकी, एक होती है थीम्स की, ठीक है। लाइट है, आप इसको डार्क कर दें तो ये डार्क थीम आपके पास आ जाएगा। अब थीम स्टाइल आपका इसका डार्क हो गया, ठीक है, ये इसकी थीम की प्रॉपर्टी है आपके पास, इसको आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, थीम के बाद क्या है, अच्छा ओपेसिटी, ओपेसिटी क्या होती है, एक्चुअली आपकी फॉर्म को क्या कर देता है, ट्रांसपेरेंट कर देता है। आप 50% ओपेसिटी कर दें तो ये 50% आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये देखें ये ट्रांसपेरेंट हो गया आपका 50%, तो ये ओपेसिटी होती है, आपने देखा होगा फॉर्म के अंदर या कहीं और पे, तो उसकी ओपेसिटी कुछ लो होती है कि आपको ये ट्रांसपेरेंट सा नज़र आता है, राइट। तो इसको आप 100% कर दें, ठीक है, इसकी ओपेसिटी की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है।
अच्छा उसके बाद होता है एक स्टाइल, ठीक है। अब देखें ये स्टाइल क्या, ये आपको ब्लू नज़र आ रहा है, आप चाह रहे हैं मुझे ये स्टाइल कौन सा चाहिए, ब्राउन चाहिए, ठीक है। देखें अब रन करें तो आपको ये स्टाइल आपको देखें ब्राउन नज़र आएगा आपको, ठीक है ना, ये ब्राउन नज़र आ गया, ठीक है। इसका स्टाइल होता है, इसके अलावा भी आप इसका स्टाइल ब्राउन और भी काफ़ी स्टाइल हैं, आप ये देख लें, पर्पल कर लें आप, ये आपको पर्पल नज़र आएगा, ये देखें आपको पर्पल नज़र आएगा, राइट। तो एक इसकी स्टाइल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अच्छा एक होती है, आप देखें आप चाह रहे हैं कि अपनी इस विंडोज़ को आप कहीं भी मूव कर सकें, ठीक है ना, या मूव ना कर सकें, तो इसके लिए इसकी एक प्रॉपर्टी होती है मूवेबल, ये ट्रू है, आप इसको फॉल्स कर दें तो अब आप अपने विंडोज़ को मूव नहीं कर सकेंगे। देखें ना, हम अपने विंडोज़ को मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक इसकी मूवेबल की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा एक रिसाइज, ठीक है, कि आप इसको रिसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अच्छा अब आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, ये ट्रू है, देखें रिसाइज कर सकते हैं ना, आपको यहाँ पे देखिए ये डॉट नज़र आ रहे हैं, तो ये रिसाइजेबल है, तो इसको आप फॉल्स कर दें, ठीक है। अब देखें अब आप डॉट नज़र नहीं आएंगे, तो अब क्या करते हैं, आप अपने विंडोज़ को रिसाइज नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो एक इसकी ये प्रॉपर्टी है रिसाइजेबल, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम बटन, ठीक है। मैक्सिमम को आप ट्रू है, इसको भी फॉल्स करते हैं, और मिनिमम को भी आप फॉल्स करते हैं, तो आप मैक्सिमम और मिनिमम भी इसको आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है। सिंपल आपके पास इसको आप मैक्सिमम और मिनिमम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसके बाद क्या है, अच्छा इसके बाद एक इमेज है, ठीक है, बैक इमेज, ठीक है जी। इसको देखते हैं हम लोग, इंपोर्ट करें और इसको दे देते हैं हम लोग, ओके करते हैं, और यहाँ पर इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है राइट टू लेफ्ट शो स्टाइल टेक्स्ट टैग थीम ट्रांस विंडो स्टेट। चलो आप इसको अभी रन करें, देखें इसका बैकग्राउंड इमेज आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, इसका बैकग्राउंड इमेज नहीं आ रहा, तो इसके लिए इसको देखते हैं हम, तो अब इसका बैकग्राउंड इमेज आ नहीं रहा, तो इस तरह आप एक्चुअली इसका इमेज आप इसको सेट कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड इमेज, इसका बैकग्राउंड इमेज आ नहीं रहा, इसको आना चाहिए। अच्छी बैकग्राउंड इमेज की पैडिंग है, ठीक है। अच्छा बैकग्राउंड इमेज को आपने कहाँ सेट करना है, टॉप राइट पर सेट करना है या कहाँ पे सेट करना है, ये सब उसकी सेटिंग होती है। और डिस्प्ले हेडर फॉल्स है, फाउंड आइकॉन आईएमई मोड एमटीआई की प्रीव्यू लैंग्वेज लॉक्ड मूवेबल राइट शेडो शो आइकॉन साइज स्टाइल विंडो स्टेट नॉर्मल, ठीक है। बैकग्राउंड अमून आ जाता है, शायद को वर्जन वर्जन का कॉन्फ्लिक्ट है इसलिए बैकग्राउंड इमेज नहीं आ रहा, वरना आप ये करेंगे तो आपके पास बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे आ जाएगा, और उसका आप साइज़ कहीं उसको बैकग्राउंड इमेज आ गया आपका, तो फिर उसका साइज़ भी आप कहीं भी सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज अमून आ जाता है इससे, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस पर लेते हैं एक मेट्रो टेक्स्ट बॉक्स,
अच्छा हम मेट्रो लेबल ले लें, आप देखें। इंटर फर्स्ट नेम, ठीक है। और आप यहाँ पे इसका एक टेक्स्ट बॉक्स ले लें, ठीक है जी। और इसकी ठीक, और एक आप यहाँ पे मेट्रो बटन भी ले लें, ठीक है। अब इसको स्टार्ट रन करके देखें इसका लुक एंड फील आपको कैसे नज़र आ रहा है। तो ये देखें इंटर फर्स्ट नेम आपका आ गया, ठीक है जी। कुछ भी लिखें, ये आपको इसका लुक एंड फील आपको ऐसा नज़र आएगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं टाइल्स, टाइल्स की। देखिए मेट्रो टाइल्स, ठीक है, आपने देखी होगी ये विंडोज़ में भी आपने इस्तेमाल की होगी कि ये टाइल्स विंडोज़ में भी इस्तेमाल हो जाती है आपके, आप ये देख लें। ठीक है, इसको इधर ले आए आप और इसको आप ऐसे कर लें, ठीक है जी। थोड़ा सा ठीक है जी, अच्छा कंट्रोल F5 करें, तो ये देखें आपको विंडो स्टाइल की तरह नज़र आएगा। इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप इसका कलर कैसे चेंज करेंगे देखें, इसका होता है स्टाइल, ठीक है। इसका आप ब्लू कर दें, ठीक है, इसका स्टाइल आप कर दें ग्रीन कर दें, इसका स्टाइल आप कर दें पिंक कर दें, और इसका आप स्टाइल कर दें ब्राउन कर दें, ठीक है। अब रन करें तो इसकी कुछ स्टाइलिंग आपने कर दी, देखें। तो ये इस तरह के आपके लुक एंड फील आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर दें, इसके वो भी चेंज कर दें, ओके कर दें, ठीक है। अच्छा, कुछ हमने मैसेज बॉक्स बनाए हैं मैंने, ठीक है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ओके का मैसेज बॉक्स है, डबल क्लिक किया हमने और यहाँ पे एक कोड है मेरे पास, इसको कॉपी कर दें। सिंपल क्या है, आप एक्चुअली देखें मैसेज बॉक्स स्टार्ट शो लें, ठीक है। मैसेज बॉक्स स्टार्ट शो, नॉर्मली हम जो कमांड लिखते हैं दिस, मतलब इसी उसको रेफर कर रहा है। ओके का है, उसके ऊपर मैसेज है, और मैसेज बटन कौन सा है, ओके है, और मैसेज आइकॉन इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसको आप क्लिक करें, देखिए ये ओके है, इसको आप क्लिक करें तो ये देखें इस तरह का आपके पास मैसेज बॉक्स शो हो जाएगा। तो इसकी आप हाइट भी कम कर सकते हैं, इसकी हाइट कम करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक आर्गुमेंट आप पास कर दें, देखिए यहाँ पे आ रहा ना एक पैरामीटर हाइट, तो इसकी हाइट आप कर दें 40, राइट, 40 हाइट कर दें आप इसकी। इसको रन करें, अब ओके करें तो देखें 40, आप इसको 50 कर दें, ठीक है, इसको आप 60 कर दें, 70 कर दें, ठीक है। ये आपका मैसेज ओके का आ गया। इसको हम क्या कर लें, इसको आप कर लें यस नो, ठीक है जी, इसको हम कर लेते हैं यस नो, राइट। और यहाँ पे ये कोड मैंने एक लिखा हुआ है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी, डबल क्लिक करें और ये कोड आप यहाँ पे कॉपी कर दें। और ये क्योंकि हम नेम स्पेस इस्तेमाल कर चुके हैं, तो ये मेट्रो को आप यहाँ से भले रिमूव कर दें। अच्छा, इसमें यस में क्या है, मैसेज बॉक्स शो है, यस नो, ठीक है, और ये यस नो कैंसिल है, मैसेज बॉक्स बटन्स कौन से, ये कैंसिल, और मैसेज आइकन क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत से हैं, आप देखें डॉट करेंगे तो आप देखें काफ़ी नज़र आ जाएंगे आपको,
क्वेश्चन इंफॉर्मेशन स्टॉप, हमने को हम इसको ले लेते हैं क्वेश्चन, राइट। स्टार्ट करें आप इसको, ये स्टार्ट करें, रन करें इसको, और ये देखें इसका कलर आपको कैसे नज़र आएगा, या स्नो का, तो ये देखें ये आपको ग्रीन कलर नज़र आएगा, ठीक है। यस नो कैंसिल, तो तीन बटन आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। यस नो के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है एरर मैसेज, ठीक है जी। आप एरर मैसेज को ले लें, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं एरर, और इसका स्टाइल को हम ले लेते हैं पिंक, नहीं अगर इसके पास रेड है तो हम इसको ले लेते हैं रेड। स्टाइल को हम क्या ले लेते हैं, देखें अगर रेड है, रेड है हमारे पास, ठीक है जी। कंट्रोल F5 करें, इसको रन करें आप, तो देखिए ये रन हो गया आपका, ये रन हो गया, देखिए एरर आ गया। इसको आप क्लिक करें तो अच्छा, एरर पे हमने डबल क्लिक, इसका कोड नहीं था, इसके कोड के लिए आप कंट्रोल V कर दें उस कोड को, एरर के कोड को, और अब इसको आप रन करें। तो ये देखें ये एरर का मैसेज आ गया। इसके आप हाइट अगर कम करना चाहें तो इसकी हाइट भी आप कम कर सकते हैं इसकी, ठीक है। हाइट सेंटीकर, कंट्रोल F5 करें, कहाँ एरर आ रहा है इसका, 70, राइट। कंट्रोल F5 करें, तो ये देखें, तो इस तरह आपको एरर मैसेज भी आ जाएंगे आपके पास। तो इसके अलावा भी बहुत से एरर हैं जिसको आप अपने एंड से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपको सिर्फ एक डेमो देना था कि हमारा मेट्रो फ्रेमवर्क काम कैसे करता है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रोग्रेस बार को, कि मेट्रो की प्रोग्रेस बार कैसे काम करती है, राइट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।